अरे ये क्या हो गया? एक्सीडेंट? अरे यार, कहते हैं ना, जिस तरह घर में शादी हो और संगीत का प्रोग्राम ना हो, गाने बजाने का, नाचने गाने का ना हो, है ना, तो शादी नहीं मानी जाती, कोई रौनक नहीं मानी जाती, ऐसे नहीं लगता भी शादी अलग आ रहा है। उसी तरीके से मेरा मानना ये है भी अगर आप कहीं पर जा रहे हो, एक्साइटमेंट नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, तो उस ट्रिप को मैं ट्रिप नहीं मानता। तो इसी तरीके से आपको थंबनेल से और पता लग ही क्या होगा थंबनेल से भी मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो बात करेंगे सुबह पर, उससे पहले आपको बात बता दूँ, सुबह से लगा हुआ हूँ। पहले सिम्बा बाइक चेक करवाई, पूरी की पूरी बाइक चेक की करवाई मैंने नेशनल मोटर रॉयल एनफील्ड से, थैंक यू उनका भी। मैं अभी बोलूँगा नहीं, सुबह बोलूँगा मैं किधर जा रहा हूँ। तो फिर भी मैं चाहता हूँ अगर कोई बंदा नया जुड़ा है यार मेरे साथ में, तो वो उसको थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे चैनल से भी मिले। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ, ये है मेरी तैयारी, देखो ठीक है। इस तरीके के ना, इस तरीके के जिप वाले बैग ले लो आप, ये देखो ठीक है। और एक चीज़ देखो, बिल्कुल एयर टाइट कर रखे हैं मैंने, है ना, बिल्कुल भी एयर नहीं है। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है, बिल्कुल भी एयर नहीं होनी चाहिए। और इससे क्या है, जगह कम जो है ना ये घेरेगी और अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको झलक मरवा देता हूँ, ये मेरा टैंक बैग है ठीक है, और वो शटल बैग है, और थोड़ा वो ये रेन कोट है, और ये मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट लिए हैं ना, बस इस तरीके का प्रिपरेशन चल रहा है तुम्हारे भाई का। हे गाइस अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अशके होंगे, क्या कहा, मैं भी अशके हूँ। उम्मीद करता हूँ सब ने मुझे दुआ में याद रखा होगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो, और इंस्टाग्राम पर जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया प्लीज़ फॉलो कर दो @jetontravel7, ये नीचे लिखा भी आ गया होगा। अब सुबह सुबह कहाँ जा रहा हूँ, टाइमिंग देखें क्या हो गया, टाइमिंग होगी 4:53, 5 ही बज गए, और उधर तैयार है अपनी बाइक सिम्बा। जो नए हैं उनको नहीं पता, उनको बता दूं मैंने मेरी रॉयल एनफील्ड बाइक का नाम रखा है सिम्बा। अब मैं यहाँ से सोलो राइडिंग के लिए निकल रहा हूँ, और आनंदपुर साहब यहाँ से पहले मेरी फर्स्ट डेस्टिनेशन आनंदपुर साहब है, वहाँ मैं माथा टेक के आगे निकलूँगा, और नहीं तो आनंदपुर साहब तक की डेस्टिनेशन है अपनी, है ना। और थोड़ी आपको मैं प्रिपरेशन वगैरह दिखा देता हूँ, वैसे तो कल भी दिखाई थी आपको, इधर तैयार है सारा मामला, और रात को ही मैंने बाइक जो है ना पूरी पैक करके खड़ी कर दी। अकेले निकल पड़े हम अनजानी राहों पर, यूं तो लोगों की बातों में हजारों का काफिला था हमारे साथ। अच्छा, और जो भी भाइयों ने अपनी सपोर्ट की है उन सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, हरी सिंह भाई का थैंक यू करते हैं, थैंक यू, और अंकुर राजा शास्त्री वाले को भी थैंक यू ब्रदर। कल रात को 7 बजे बंद हो जाती है ना, 8 बजे मैंने फ़ोन किया, मैं कहा मुझे 2 जो है ना बंजीज और एक बैग चाहिए, भाई ने दुकान खोल के अपने को दी, ये देखो ये वाला साइड बैग उसी ने दिया, और 2 जो है रस्सियाँ वो दे गया भाई अपना, बहुत तहे दिल से थैंक यू उसको। ये है मौत का घर, रास्ते में चल रहे हो बहुत ध्यान से रहो, एक इनसे भी, ये भी इनका भी पता नहीं लगता कब आगे आ जाते हैं, ठीक है ना। अब करे क्या, इनको बेचारियों को संभालना चाहिए पर नहीं संभालता कोई, अब सड़कों पर घूम रहे हैं। अच्छा चलो वो छोड़ो, एक बात और बताओ, सुबह यार ये ऐसा मेरे साथ ही होता है कि आपके साथ भी होता है, सुबह ये स्कीम थी भी 4 बजे निकल जाएंगे, 4 बजे निकलने का प्लान था और हो ही नहीं पाया, और सुबह सुबह नींद इतनी बड़ी आती है ना, पहले तो सारी रात एक्साइटमेंट में नींद नहीं आई, बहुत सोचा भी यार सो जाए बस करवटे बदलते रहे, और अब जब सुबह का टाइम आया उठने का तब इतनी बढ़िया नींद आ रही, दिल करता है 10 मिनट और 10 मिनट और। हालांकि मैं 3:30 बजे उठ गया था, फिर भी प्रिपरेशन वगैरह करते, काफ़ी प्रिपरेशन रह गई थी मेरी, जैसे कि ये हेलमेट ऊपर पड़ा हुआ था, इसका जो है ना काफ़ी सामान इसमें सेट करने वाला था, मतलब मेरे को ऐसे लगता था कल मैं 5 बजे तक, कल शाम 5 बजे तक जो है ना सब कुछ सेट करके मैं अपनी एक बढ़िया सी एक
जो है ना एक नींद लूंगा बढ़िया सी, एक जब्बी लेके सोचूंगा। बट रात के 11 बजे सोया, एक्साइटमेंट में नींद नहीं आई और सुबह जो है ना टाइम पर उठा नहीं गया। इसी को हैबिट कहते हैं। और इस बात से एक बात आपको मैं बताता हूँ, मैंने एक बुक क्रिएट की थी, अब नाम तो उसका शायद निकल गया, मेरे ख्याल उसका नाम था 30 हैबिट्स कुछ ऐसे करके। उसमें यही कहा जाता है जो आपकी हैबिट्स है ना, ये आपकी लाइफ में जो आप गोल अचीव करना चाहते हो उसको अचीव करने में बहुत हेल्प करते हैं। अरे ये क्या हो गया, एक्सीडेंट? अरे यार बहुत बुरा हुआ, दो ट्रक आमने सामने, ये तो जो है ना, अरे बाप रे, गोदा आ गया। मैंने कहा था ना आपको, चलते हुए कहा था, मैं कहा मर गया गोदा तो। ओहो, मैंने आपको चलते हुए कहा था, अभी जो है ना ये जो है ना मौत का घर है वाकई, इसमें अभी शायद जान है या पता नहीं, मर गया भाई साहब। क्या बात होगी, रात को हुआ है, गोदे में लग तो रहा है, जान है। वो देखो हवा निकल रही है जो है ना, सांस है मेरे को लग रहा है ऐसे, है ना कि नहीं है? बस वैसे ही है वो ढलान के ऊपर, मेरे को लगता है लड़ रहे होंगे रात को आपस में, ये तीन गोदे हैं। नहीं, 10-20 किलोमीटर बाद जो है ना रस्सियां वगैरह चेक करेंगे, कोई रस्सी खुली वगैरह तो नहीं, उसके बाद फिर फेंटेंगे अपनी गाड़ी सिम्बा को। बैठे तो हैं मामे। अच्छा एक बात बताओ यार, इनको मामे क्यों कहते हैं सारे? यहाँ तो नहीं रोका यार, बढ़िया चलो। तो अपने को यहाँ पे भी नहीं रोका। लो जी अब अपने चलेंगे धड़ल्ले से आगे, जाके चेक करेंगे थोड़ी दूर पर, जैसे आपको बताया रस्सियाँ वगैरह चेक करेंगे। और ये आप भी क्या करो अगर लॉन्ग राइड पर निकलते हो, क्योंकि थोड़ी देर बाद क्या है वाइब्रेशन वगैरह वाइब्रेट हो के जो रस्सियाँ वगैरह वो अपनी जगह लेती हैं, अगर कोई रस्सी ढीली है तो उसको कस दो। मेरी तो ये खैर पहली जिसको कह देते हैं सोलो ट्रिप है, मेरा सोलो राइड है। मैंने एक यूट्यूबर को देखा था, उनका नाम है साइकिल बाबा, सलूट है उनको भी यार। साइकिल पर यार देखो आप, पूरा विश्व घूम दिया उन्होंने यार, क्या बात है हैं। और जंगल में, अफ्रीका के जंगलों में देखो, वहाँ शेर भी होता है और भी क्या खूंखार जानवर होते हैं, और अलग अलग जगह पर जाके जो है ना लोग भी कई बार थोड़े अग्रेसिव होते हैं। तो यार वाकई आप थोड़ा सपोर्ट किया करो यूट्यूबर्स की, मेरी नहीं मैं कह रहा, मेरी नहीं 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 सबकी किया करो यार, सबकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत लगती है यार उनकी। सूर्य देवता की पहली झलक जो है ना अपने को नसीब हो रही है। दोस्तों शुरुआती 40 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, शुरुआत ही मुश्किल होती है दोस्तों, फिर तो काम ऑटोमेटिकली होते चलते हैं। तो अब अपने रुक कर चेक करते हैं एक बार बाइक को कि कोई चीज़ हिली तो नहीं है, कुछ कोई दिक्कत तो नहीं आई। ठीक है ओके, यहाँ ये भी ठीक है, इधर कोई दिक्कत तो नहीं आई, ये भी ओके है, अब तक तो ठीक है, ये भी ठीक है, ओके वेल डन गुड। पंप ले लिया था साथ में, इसको कस दिया था, यहाँ सब कुछ ठीक है, ओके ये बढ़िया है क्या, नहीं ये भी ठीक है, चलो कुल मिला के बढ़िया। पंजाब पुलिस पूरी मुश्तैद है, डंडा मामे के हाथ में है। सत श्री अकाल जी, कोटकपूरा के पास में एज यूजुअल आप सबको पता है मैं ये ग्रीन स्टार वैष्णो ढाबे के पास ज़्यादा यहीं रुकता हूँ। नियर अबाउट 144 किलोमीटर कवर कर लिया आपने 2 घंटे 53 मिनट में। इट्स नॉट ए बैड गुड, अच्छी जो है ना स्पीड से आए हैं, ना मैंने रिस्क लिया, बस आराम से। सोलो वालों जो सोलो राइडिंग करते हैं उनके लिए एक छोटा सा टिप्स, वैसे तो मैं इतना हूँ नहीं मैं किसी को टिप्स दे सकूँ, बट मेरा एक्सपीरियंस से मैं एक टिप्स ये देना चाहता हूँ कि हीरो मत बनो। आप रास्ते से आ रहे हो, हीरो मत बनो, आराम से सेफ साइड लेके चलो, और शाम को 5 बजे गाड़ियाँ रोक दो। नहीं जो है ना पानी की मैं बोतल ले लिया,
देख लो 144 किलोमीटर बिना पानी के, रास्ते में जो कुछ भी नहीं पिया पानी, जो घर से पिया था वही, रास्ते में चिंगम जरूर चबाता आया। वाह जी वाह, वाह क्या बात है, मेरे को प्यास लगी थी और रास्ते में मुझे ये मिल गई। ये पंजाब की हॉस्पिटैलिटी है, ये पंजाब की हॉस्पिटैलिटी है, और ये पंजाब में इसको शबील कहते हैं। वैसे तो ज़्यादातर पंजाबी भाइयों को पता है, बट जिनको नहीं पता, क्योंकि अपने को थोड़ी पता ऑल ओवर इंडिया से कहाँ से आदमी जुड़ रहा है अपने चैनल से, इसको शबील कहते हैं। और ये पंजाब में तकरीबन तकरीबन आपको गर्मी के दिनों में मिलेगी। इसमें मैं आपको बता दूं, ठंडाई होती है, रूह अफजा होता है, दूध होता है, चीनी वगैरह, जैसे अपने शरबत नहीं होता उस तरीके की होती है ये। यहाँ से श्री अनंदपुर साहिब है 160 और लुधियाना अपने से अब थोड़ी दूर पर रह गया 46 किलोमीटर दूर है लुधियाना। लुधियाना में एंटर नहीं करेंगे, बाईपास ही निकल जाएंगे अपने, मतलब कंपैरेटिवली ठीक है अपा, मतलब अपनी स्पीड जो है ना बहुत बेटर स्पीड से चल रहे हैं, ना तो मैं भगा रहा हूँ, बिल्कुल सेफ साइड लेके चल रहा हूँ। और ये आप देख रहे होंगे ये लाइन के, मैं जो बाइक्स के लिए राइट दी होती है ना लाइन, सिर्फ उसी में जो है ना मैं चल रहा हूँ, और अपनी जो स्पीड बताई हुई है पीछे मेरे ख्याल नियर अबाउट 70 थी, उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ यार, ठीक है। और कई ऐसे महारथी भी आ जाते हैं, ये देखो रॉन्ग साइड में, और ना हेलमेट है, और ये बच्चा मेरे ख्याल इसकी एज भी नहीं अभी चलाने की। लो जी अपने पहुंच चुके हैं लुधियाना। लुधियाना के पहले आता है मुल्लापुर, वहां पहुंचे हैं अब अपने, ठीक है। और अपने बाईपास से निकल जाएंगे श्री आनंदपुर साहिब को। मतलब मेरे को एक डर था मन में भी, पता नहीं यार मैं पहुंचूंगा सही टाइम पर के नहीं, बहुत ज़्यादा डर था, ठीक है। बट एक मैंने एक बात सुनी थी, तुम रास्ते को इख्तियार करो। क्या? तुम रास्ते को इख्तियार करो, जहाँ तक पहुँचोगे उसके आगे जो रास्ता है ना, ऑटोमेटिकली फिर अगला रास्ता आपको दिखने लग जाएगा। अपने क्या है, घर पर बैठे सोचते हैं, लाइफ में भी ऐसे करते हैं, घर पर बैठे सोचते हैं ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। जब आप चलोगे ना, मान लो आपको दूर से नहीं दिख रहा, मतलब आपकी लाइफ का बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जब आप उस डेस्टिनेशन के पास पहुँचोगे उसके आगे का रास्ता वहीं से दिखेगा ना। यही बात जो है ना, मैंने जब घर से चला था मेरे जहन में थी भी एक बार चलते हैं यार, है ना, चलते हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो रास्ते में से वापस आ जाएंगे, ठीक है। बट एक बात और बता दूं, कहीं ना कहीं मन में ये भी थी भी वापस नहीं आना, ठीक है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिलैक्सेशन जरूर थी मन को दी अपने को भी, अगर कोई ज़्यादा दिक्कत हुई तो यार वापस आ जाएंगे, क्योंकि रिस्क भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। बहुत बढ़िया बनाया यार लुधियाना की ये चीज़, मुझे ना ये पुल अभी बनाया उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा यार ये। अब करते हैं दो बातें, आपको एक बात बता दूं, मैं बिना मतलब एक बार ही रास्ते में जो है ना बाइक से नीचे आया हूं, वैसे तो दो तीन बार रुका हूं, बट मतलब बाइक से जो नीचे उतर के कोई 10-15 मिनट का रेस्ट किया ना, वो मैंने सिर्फ एक बार ही किया है, और उसके बाद में अभी भी मैं लुधियाना से जा ही रहा हूं। मेरे घर लुधियाना होगा कम से कम नियर अबाउट होगा यार 300 के आसपास होगा मेरी सिटी श्री गंगानगर से। ये मतलब मैंने कुछ सोच के नहीं कि ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है, क्योंकि मेरे मन में ये था भी यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना जो रास्ता कवर कर दूँ, जो नीचे वाला पहाड़ों के नीचे वाला एरिया होता है ना, जो समतल एरिया, वहाँ जो मैं सोच रहा था मैं जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मैदानी एरिया ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँ, क्योंकि पहाड़ों में आपको पता है एक तो बहुत ज़्यादा केयरफुली चलानी पड़ती है, और दूसरा वहाँ थोड़ा बहुत लुफ्त लेंगे ठंडी हवा का, नज़ारों का, पहाड़ों का, झरनों का, है ना। क्या नज़ारा है यार, क्या नज़ारा है, देखो अभी तो स्टार्टिंग किया है, पानी उधर से आ रहा है ना, पंजाब में आगे पंजाब के नज़ारे जो है ना कुछ अलग ही हैं। मिलिट्री की ट्रेनिंग चल रही है लगता है ना पानी में, पर ये पानी विपरीत क्यों चल रही है बोट, अच्छा ओके मोटर बोट है तो करके चल रही है, वो सामने टैंक भी खड़ा। क्या नज़ारा है यार, क्या नज़ारा है यार, मस्त मस्त माहौल है। इनकी बोर्ड देखो, जहाँ इन्होंने रोक, मेरे ख्याल कम स्पीड पर कर रखा है, जहाँ इनका दिल करता है वहीं रोक सकते हैं इसको ये। तो जी 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और घर से लाया था खाना बनवा के, वो खाते हैं। बहुत बुरा हाल हो गया यहाँ तक आते आते, बहुत ज़्यादा बुरा हाल,
और ये बढ़िया सी जगह है नहर के किनारे। हाथ धोने चाहिए या कि नहीं धोने चाहिए? कभी मत हाथ धो ऐसे। ये बोतल है इससे हाथ धो लो। आप सोलो या 10 जने हो कभी मत जाओ, क्यों? बाई चांस आपका पैर स्लिप हो गया तो काम तमाम। लो भाई लोगों, बढ़िया सी लोकेशन देख ली है, और ये परौठे और चटनी किसी ढाबे पर नहीं, किसी होटल पर नहीं, मस्त बढ़िया सी देसी लोकेशन देखी है। और उन भैया का थैंक यू, चेयर दी है, और ये बढ़िया इन्होंने खाने को दिया, इनका भी थैंक यू, इनके पास चेयर थी इन्होंने दी, और पीछे सिम्बा भाई को थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिलवा रहे हैं। बहुत बढ़िया सी लोकेशन है, परौठे खा के पियेंगे उधर से जूस, और जूस पी के फिर अपने निकल जाएंगे। तो खाना खा लिया है और भैया से जूस रेडी करवाया है। यहाँ से इस डेस्टिनेशन से आनंदपुर साहब है 91 किलोमीटर, और इस व्लॉग का जो एंड होने वाला है वो आनंदपुर के आसपास ही होगा। बाकी देखते हैं कैसा मोल रहता है। रोपड़ पहुँच गए जी। आपको बता दूं, रोपड़ जो है ना एंशियंट टाइम का, हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम का है, और इंडिया का पहला ऐसा स्थल था जो 1947 के पार्टीशन के बाद में मिला था। हड़प्पा सिविलाइजेशन का था, मतलब उससे रिलेटेड जो। तो अब अपने आनंदपुर पहुंचने वाले हैं। लो जी, पहुंच गए अपने श्री आनंदपुर साहिब, और यहाँ से मनाली है 237। अब देखते हैं यहाँ से वापस घर या मनाली। ये है श्री आनंदपुर साहिब, गुरु गोबिंद सिंह जी का ये बहुत पावन स्थल, खालसे का जो सृजना का स्थल यही है। माथा टेक लें, उसके बाद में देखते हैं क्या करना है। लो जी, गेटअप हो गया चेंज बिल्कुल, और यहाँ आ गए हैं अपने आनंदपुर साहिब। ये है जी ऊपर आनंदपुर साहिब का मेन गुरुद्वारा। अपनी तो भैया स्टार्टिंग ऐसी होती है, अपने टूर तो गुरु के चरणों से स्टार्ट होते हैं। लो जी, माथा टेक लिया गुरु जी के, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ से डिसाइड करना है अभी वापस जाना है या आगे मनाली स्पीति, वो पता लगेगा नेक्स्ट वाले व्लॉग में। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा इस व्लॉग को। अगर आपको बढ़िया लगा है शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, कमेंट भी कर दिया करो यार, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो प्लीज़, @JatownTravel7 है इंस्टाग्राम पर, ठीक है जी। ओके, मिलते हैं कोई इसी तरह के बढ़िया से व्लॉग के साथ में एक्सप्लोरिंग करते हुए। तब तक के लिए सबको बाय बाय और सत श्री अकाल। इन भैया का बहुत बहुत थैंक यू, इन पाजी का, इनकी वजह से मैं माथा टेक पाया, क्योंकि बाइक जो है अपने इधर खड़ी कर गए थे, वो बैग तो मैं ले गया था, ये इधर था, इसमें है तो कपड़े, कई बार किसी को पता नहीं होता, मान लो खोल दे तो मेरे को पैकिंग करनी दिक्कत हो जाती। तो बहुत बहुत थैंक यू पाजी। ओके जी, परमात्मा चढ़ती कला बख्शे।